आपने बताया था वे अपने प्रेम कृष्ण का निरंतर संग पाने के लिए के उद्देश्य से प्रतिदिन सूर्यदेव क्या रहा है। तो प्रश्न क्या है? ऐसा क्यों, मतलब वो तो अटर्नल है, मतलब वो तो है, उनका प्रेम तो है सारे संसार में, लेकिन प्रेम पाने के लिए किया जा रहा है या संग पाने के लिए? संग पाने के लिए, वो तो उनकी संगली तो है ही है। हाँ, लेकिन लीला में she is at her own house, Krishna is at his house. तो कोई एक हाउसहोल्ड में तो नहीं, जैसे हस्बैंड वाइफ एक हाउसहोल्ड में रहते हैं, या भाई बहन या कोई भी एक हाउसहोल्ड में रहते हैं, तो दीज डेज उसमें भी किया जा सकता है, एक हाउसहोल्ड में रहते हुए भी लोग एक दूसरे को मिलते हैं, लेकिन फिर भी दो अलग अलग हाउसहोल्ड में, दो अलग अलग गांव में रहते हुए, और उसके ऊपर से एक स्त्री के शरीर में और एक पुरुष के शरीर में, जिनमें कोई संबंध नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और कोई प्रश्न? अर्चना माता जी, सॉरी माइक में बोलो। सूर्यदेव से क्यों करती है? मतलब सूर्यदेव तो कोई पूछेगा, कई सारे आंसर है। एक आंसर लीला में, ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसकी रचना की है ऐसा बताया नहीं उन्होंने, लेकिन उसके साथ में एक लीला भी। लीला ये है कि राधा रानी अपने घर में ससुराल में है और उनका मन वहां नहीं, तो इट इज अ डिफिकल्टी। तो उसका समाधान पंडित जी ने ये निकाला कि इसको रोज सूरज की पूजा करनी चाहिए। तो शी डज सूर्य पूजा, लेकिन पहले दिन जब सूर्य पूजा का अनुष्ठान कराना है तो वो एक विद्वान पंडित जी करा सकते। अच्छा, देन देयर इज द एस्पेक्ट के स्वयं राधा रानी होते हुए कृष्ण का संग पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, इवन कमिंग डाउन टू डेनवर। अब सखियां निकली ढूंढने के लिए कोई विद्वान पंडित मिले, तो उधर से देखा दो पंडित जी लुकिंग व्यक्ति आ रहे, एक बड़े पंडित जी एक छोटे वाले, जो छोटे वाले थोड़ा सा लंगड़ा के चलते और सखियों ने जाकर पूछा कि प्रणाम करके कि आप कौन से कुल के हैं, कि हम गर्गाचार्य के, गर्गाचार्य के कुल के, शिष्य ने बताया जो लंगड़ाते हुए चलते कि हमारे गुरुजी गर्गाचार्य, अच्छा कि हमारे लिए एक पूजा का अनुष्ठान कराना है, आप करा दोगे? नहीं नहीं, स्त्रियों के लिए कुछ नहीं कराते हम, हमारे गुरु जी बहुत विद्वान और अखंड ब्रह्मचारी, स्त्रियों के लिए कभी कुछ नहीं कराते, स्त्रियों के पास भी नहीं जाते हम। अच्छा,
अब कैसे होगा? हमारे गुरु जी केवल सूर्य की पूजा करा, तब तो सकते और भी ज्यादा कि अब तो पूजा इन्हीं से करवानी। तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सबके घर में पुरुष भी हैं, आप उनके लिए हमारी पूजा आओ कराओ। तो गए पंडित जी और किसके लिए पूजा करानी है उसको हमारे कक्ष में अकेले भेज दो। ये पंडित जी के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं आए थे और जो लंगड़ा रहे वो मधुमंगल है, वो रूप धर के आए हुए पंडित जी, उन्हीं का भेजाया हुआ मैसेज था कि सूर्य की पूजा करानी है और फिर सूर्य को पुजारी बन के स्वयं आ रहे हैं कि पूरा अनुष्ठान जो कल बताया था, आप कल नहीं थे, कल का व्रत अनुष्ठान जब पूरा हो गया उसका बंडा फूट गया तो ये नया नेक्स्ट हथकंडा शुरू किया था। तो उस वजह से यहाँ पे ये सूर्य की पूजा की मेंशन है और एक एक्सट्रीम भी दिखाने के लिए कि टू गेट हर हिज एसोसिएशन शी इज विलिंग टू गो सो फार एज टू इवन वर्शिप अ डेमिगॉड, जो उनके आगे कुछ भी नहीं है, सूर्य क्या है कुछ भी नहीं। तो इट शोज द एक्सटेंट दैट ही वुड गो। जैसे कि उद्धव जी को एक बार भगवान ने भेजा था कि जाओ मेरे सर में दर्द है, कहीं से भक्तों के चरणों की रज ले आ। तो उद्धव भक्त समझते थे ज्ञानियों को, ज्ञानी भक्तों को वो भक्त समझते, ज्ञानियों के पास गए और जाके उनसे चरणों की रज मांगी कि क्या करोगे हमारे चरणों की रज? अरे भगवान के सर पे लगा दे। अच्छा हमारे चरणों की रज भगवान के सर पे जाके लगाएगा? मती मारी गई है तुझे पता है, हमारे चरणों की रज भगवान के सर पे लगाई तो क्या होगा? करोड़ों करोड़ों जन्म नरक में मिलेंगे। डांट डपट के भेज दिया, ज्ञानी तो नहीं देगा, योगियों के पास गए। सेम बात पूछी, योगियों ने कहा ठीक है हम ज्ञानी नहीं है लेकिन इतने भी अज्ञानी नहीं है, समझते हो हमें ज्ञान नहीं है, ठीक है नहीं है लेकिन इतना ज्ञान भी नहीं है कि हम अपने चरणों की रज तुम्हें दे देंगे कि भगवान के सर पे जाके लगाओ। इतने बेवकूफ नहीं है, किसी और से मांगो हम अपने चरणों की रज नहीं। परेशान होके वापस चले गए उधर कि कोई भक्त आपके लिए चरणों की रज नहीं कहता है। क्यों वृंदावन नहीं गए? नहीं वृंदावन तो नहीं गए, वृंदावन गए, वहां जाके सखियों से पूछा कि आपके चरणों की रज ले जा सकता, ये करना क्या है? भगवान के सर में लगानी है, भगवान के सर में दर्द है। अच्छा भगवान के सर में दर्द है तुम्हें कैसे पता चला हमारे चरणों की रज से ठीक हुआ? कि भगवान ने बताया था कि भक्तों के चरणों की रज चाहिए उनको, जल्दी जल्दी ले जाओ हमारे। ये क्यों? तुम्हें अपने चरणों की रज भगवान के लिए देनी है, तुम्हें ये पता नहीं है कि क्या होगा तुम्हारा? हमारा कुछ भी हो उसका कोई सारोकार नहीं है।
केवल भगवान के सर में दर्द एक मिनट एक्स्ट्रा और हमारे वजह से नहीं होना चाहिए। ये है भक्त का, और ये तो भक्त की लीडर है। दैट इज द थर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कोई शुद्ध भक्ति अब पहले इस टॉपिक पे ले लें प्रश्न। वैसे शुद्ध भक्ति यही है कि किसी भी कीमत पे, अभी जो एग्जांपल दिया वो भी शुद्ध भक्ति है, प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति, के केवल भगवान का बेनिफिट या उनकी सेवा ही नजर आ रही है मुझे, और कुछ मुझे नजर नहीं आ। मैं भगवान की पूजा करूं, आरती करूं, मंदिर आऊं, सब कुछ करूं, लेकिन पीछे से मेरी एक शॉपिंग लिस्ट भी है, तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं। ठीक है, शॉर्ट आंसर है उनके लिए। और कोई, ऐसे तो शुद्ध भक्ति समझाते समझाते सारी रात बीत सकते। जस्ट गेट अ सिनॉप्सिस। और कोई प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं है? ओके, तो कल सुबह का प्रवचन हमारा पंजाबी भाग में है, लेकिन शाम को आपसे ही। अभी जो प्रश्न रह गए वो कल ले आ, और इससे आगे की लीला को कल बताए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की पिताय गौर प्रेमानंद की जय।